हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू एक्सप्लोर यादव। कैसे हो आप लोग? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। अभी टाइम हो रहा है 11:30 और मैं अभी उठा हूँ। रात पे एडिटिंग कर रहा था इसलिए टाइम लग गया। और दोपहर में भी यहाँ का सीन देखो, दिखाता हूँ मैं कितना मस्त लग रहा है यार। तो सुबह पता नहीं कितना मस्त लगता होगा। ये देखो, बगुला बैठा हुआ, वो रहा। इधर पानी लग रहा है खेतों में, चिड़ियों के चहचहाने की आवाज। वाह, फिर देखा हुआ इतना सुंदर और सेक्सी दृश्य। ये मशीन कौन कौन जानता है? ये वाले कमेंट करो। और ये रहा हमारा फार्म हाउस जहाँ पे हम रुके हैं। तो निकलने का टाइम हो गया, सब हो गए रेडी। मैं नहीं हुआ रेडी, मैं ऐसे ही जा रहा हूँ क्योंकि मेरा घर ही है वो। तो क्या रेडी होके जाना, सीन देख लो लास्ट टाइम वापस, कितना मस्त सीन है। वो देखो बगुला, और ये मशीन का नाम जिसको पता हो यार बता देना, निकल रहा हूँ अभी। तो ये सामान लग गया, वो देखो सब तैयार। बिकता भी रही चला दो दूध, चलो घर पे चल रहा है, चलो घर पे। विदाई हो रही लड़ी की बिट्टो की। आलू लोड हो रहा है खेत से। कितने आलू चाहिए गाइस, ले लो यहाँ से देसी। तो ये बहुत ही फेमस यहाँ का मार्केट है, बसरेहर मार्केट। काफ़ी सारे वीडियोस मिल जाएंगे आपको यूट्यूब पे, अगर आप लोग यहाँ यूपी से इटावा के आसपास से बिलोंग करते हो तो आपने देखा ही होगा। बहुत ही लंबा चौड़ा मार्केट है ये, चौड़ा तो नहीं है, लंबा ही लंबा है। और ये जो रोड दिख रही है वो नेशनल हाईवे है गाइस, मैं लग रहा होगा कोई स्टेट हाईवे टाइप से, नहीं नेशनल हाईवे है ये। तो नेशनल हाईवे पे ये पूरा पूरा बना हुआ है मार्केट, आधा आधा बाहर तक आ गया है। ये देखो दिख रहा है, स्टेट हाईवे पे इतने बड़े ट्रक नहीं जाते, नेशनल हाईवे है, उस पर बाजार बना रखा है, इसीलिए इतना फेमस है सब। सो ये जो दिख रहा है आपको ओवरब्रिज, ये हमारा इटावा बाईपास है। ये इधर जाओगे आप सीधा जसवंत नगर के लिए इटावा बाईपास, और इस तरफ लखनऊ कानपुर वगैरह है। तो हम लोग इसको चढ़ेंगे और इटावा जो मार्केट है उसको बाईपास करके सीधा ग्वालियर वाला जो है वो पकड़ेंगे। यहाँ से हम चढ़ रहे हैं इटावा बाईपास पे। तो हम लोग आ गए हैं इटावा बाईपास हाईवे पे। ये सीधा जाता है जसवंत नगर, टूला, आगरा
और दिल्ली मथुरा दिल्ली सीधा, तो ये साथ साथ उसी के साथ साथ चलता है जिससे हम कल आए थे लखनऊ एक्सप्रेस वे पैडल में, हमारा इस साइड पड़ेगा वो साथ साथ, और ये चलते जाओ। इस पेट्रोल महंगा है, इस पेट्रोल है सस्ता है इस पेट्रोल। तो पूरा इटावा बाईपास होने के बाद यहाँ से लिया एग्जिट और उधर से हम लेंगे ग्वालियर रोड आगे से। 30 की 250 ग्राम है, 250 ग्राम कर दो। तो थोड़ी बहुत चटर पटर ले ली रास्ते के लिए, इटावा भी दिल्ली से कम नहीं है। देखो इधर भी कारीगरी कर रखी है अंडरपास में, कलरफुल एकदम मस्त बना रखा है, बहुत ही तगड़ा व्यू आ रहा है। ये सेंट मैरी स्कूल बहुत फेमस स्कूल है इटावा का, इटावा में बहुत बड़े बड़े स्कूल है, बस नाम से ही बदनाम है इटावा। ये देखो मार्केट लगा हुआ है, भूटानी मार्केट जिसको बोलते हैं, गरम गरम कंबल। अब हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं मेला रोड की तरफ, आगे आएगा हमारे पास नुमाइश जिसको बोलते हैं मेला ग्राउंड, नुमाइश बहुत ही फेमस है यहाँ की इटावा की नुमाइश, हर किसी ने देखी होगी जो भी यहाँ का होगा। जब मैं छोटा था तब मैंने भी देखी थी, मुझे याद है मेरे पिताजी मुझे ले गए थे और मैं बहुत रो रहा था। वो जो गोल गोल चक्री वाला जो झूला होता है ना, जाइंट व्हील बोलते हैं जिसको आप लोग, उस पर इतना रोया कि फिर वो रुकवाना पड़ा, फिर मम्मी पापा को उतरना पड़ा। तो यहाँ से हम लेंगे राइट, खजरा फेमस यहाँ का सो वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसीलिए यहीं पे कट करते हैं अपन इटावा वाला पार्ट, और आगे दिखाएंगे ग्वालियर वाला। यहाँ का बहुत ही फेमस मंदिर है, कोई आते हैं जाते हैं लोग, यहाँ पे गाँव से भी आते हैं। आगे जाके है ये एंट्री है यहाँ से इसकी, पता नहीं मुझे यार मैं तो ज़्यादा रहा नहीं इधर, जो जानते हैं वो कमेंट कर दो। रोड बहुत ही शानदार बनाई है, अभी कचरा हो गया है, सफाई वगैरह चलती नहीं है, लेकिन जब नहीं बनी थी ना ये रोड तो एकदम मुंबई पुणे वाला जो है ना एक लोला वोला करके रोड, उस तरीके का लगता था यार। देखो अभी भी, अभी नहीं, ये देखो छोटे छोटे पहाड़ों के बीच में से कट होते हुए बहुत ही मस्त लगता है। थोड़ा सा खराब हो गया, पहले मस्त था, अभी जमुना जी आएंगी, जमुना जी नहीं पता आपको, नदी है यमुना नदी, यहाँ पे जमुना जी बोलते हैं। ये आ गई, और ये ब्रिज बहुत ही पुराना है, हो गए होंगे 50-60 साल ऑलमोस्ट, तब से ऐसा ही है। और ये जो नदी है ना, ये कभी कभी इतनी ऊपर आ जाती है कि ये यहाँ पानी यहाँ से क्रॉस करता है ऊपर से ब्रिज से, हो सकता हूँ लेवल कितना पानी आ जाता है। खुले पैसे नहीं है इसमें डालते हैं, खुले पैसे बट अभी है नहीं, श्रद्धा मानी जाती है बस, अगर कहीं आप निकल रहे हो अपने घर से तो गंगा मैया यमुना मैया को चढ़ाते हैं तो उस टाइप से, तो वो पानी यहाँ यहाँ तक आ जाता है, मैं बता रहा था इस पुल तक कितना ऊँचा पुल है, गाँव आस पास के डूब जाते हैं, खाली करने पड़ता है। इधर से नया रास्ता बनाया इधर लखनऊ और उसके लिए वापस बाईपास ही आगे जाके उसी पर मिल जाएगा जिस पे हम बाईपास से उतरे थे ना अभी वहाँ पे। तो ये आ गया उदी मोड़, और ये यहाँ का तिराहा चौराहा, एक छोटी रोड है बाकी तीन बड़ी रोड है, एक लोकल है और बाकी
स्टेट है, सॉरी। अभी हम इटावा की साइड से आ रहे हैं, तो इधर से आप राइट लेके चले जाओगे इधर तो मेरा गांव आता है, और ये रोड जाती है बाय आगरा इस तरफ लेफ्ट वाली, और इधर ही मेरा गांव पड़ता है बहादुरपुरा, पोस्ट मुरांग, जिला इटावा। और इधर आ जाओगे तो आप भिंड के साइड में, भिंड आएगा, महगांव आएगा, और ग्वालियर। कैसे देख रहे हैं, देखेंगे, देखा देखेंगे। धीरे धीरे ब्लॉगर बन रहा हूँ। ये लो गाइस, गजक खा लो, चटर पटर जो लिया था वो चल रहा है। पेट्रोल भी नहीं है, अभी पेट्रोल पंप आएगा यहाँ पे, पेट्रोल डलवाते हैं। पेट्रोल पंप है, पेट्रोल डलवाते हैं, पता नहीं कैसा होगा यार, थोड़ा ही डलाएंगे। सिक्का नहीं था तो मोटी फेंक रहे, पता नहीं। वो देखो उधर, वो है ट्रेन का ब्रिज, नया बना है ये, जो ग्वालियर से इटावा के लिए जो लाइन बनी है, नहीं शायद उदी मोड़ तक है। ये है चंबल, इधर ही है बीच में बस, और यहाँ पे आगे साइड में ये लेक वगैरह जो होता है वो डाल रहे हैं मिट्टी का, और पास करना है आप डाल के आ जाओ। नहीं रख दे तो डाले ना। तो ये है चंबल नदी, इतनी बड़ी नदी भाई साहब। ये हमारी गाड़ी, हेलो हाईवे अंदर चल, देखना नहीं चाहिए बट ये उड़ जाता मुझसे फेंकते, इसलिए मैं यहाँ पे आके डाल रहा हूँ। मुझे लग रहा है मेरा आईफोन लग गया जाएगा। भिंड पहुंच चुके हैं, और इधर से जाओगे आप लेफ्ट लेके तो भिंड बाईपास है। अच्छा, लेकिन हम सीधे जाएंगे। हर शहर की कोई ना कोई मेन रोड होती है, वो शाम को इस टाइम पे इतनी अच्छी लगती है। यहीं पे आता है वो घूम के बाईपास, और हम सिटी में से आगे डायरेक्ट, और यहाँ के मिल जाता है, फिर यहाँ से सीधे निकल जाओ अपने ग्वालियर के लिए। दिस इज हाउ बफेलोज ट्रैवल, मस्त जा रही है। तो यार एक चीज़ नोटिस कर रहा हूँ, मैं सिंगल हाईवे पे कोई भी जो बड़ी गाड़ी है ना, जैसे स्कॉर्पियो हो गई, फॉर्च्यूनर हो गई, सामने से ओवरटेक करने के लिए हमारी वाली लाइन में आ जा रहे हैं और टिप्पर दे रहे हैं भाई साहब, ऐसे तगड़ा तगड़ा, जैसे कि तुम हटा लो यहाँ से, तुम नीचे उतारो हम निकलेंगे। तो यार ये गलत चीज़ है, ऐसे नहीं करनी चाहिए रोड पर। दो तीन केस ऐसे हो चुके हैं, देखो एक और आगे आ रहा है, तो बस वाला है।
आपकी गलती नहीं होती, सामने वाला आपने दिखाने के चक्कर में हीरो बनती। वही नए नए लौंडे होते हैं, स्कॉर्पियो लेके निकल गए, फॉर्चुनर लेके निकल गए हैं आजकल। क्या नए लौंडे पुराने ही हो गए से पहुंचो लेकिन पहुंच जाओगे, बेटर है कि ना ही पहुंचो, ना पहुंचना उससे तो बेटर है देर से पहुंचो। गाइस शाम के 6 बजे हैं और रोड ऐसे दिख रही है, अभी अंधेरा हो चुका है, सर्दियों में जल्दी अंधेरा हो जाता है। ये देखो हाईवे पे बहुत टफ होता है ड्राइव करना रात में, तो अगर आपके पास अच्छा थ्रो नहीं है हेडलाइट का तो फिर और ही ज़्यादा दिक्कत होती है। दिख ही नहीं रहा। सो लोकल टोल पे चाहे फास्ट टैग लगा लो चाहे स्लो टैग लगा लो, भीड़ इतनी रहेगी भैया देख रहे हो। अभी बस पहुंच गया हूँ मैं ग्वालियर के टोल पे, यहाँ से मुझे लगेंगे 20 से 25 मिनट। तो ये भिंड ग्वालियर रोड है और यहाँ से राइट साइड में डीडी नगर गेट नंबर 1 और ये रिलायंस का पेट्रोल पंप है, हमें जाना है डीडी नगर गेट नंबर 1 पे। यार इधर का ग्रीन सिग्नल हो रखा है, उधर से भी लोग आ रहे हैं यार, वो देखो दिखाता हूँ मैं आपको, देखो उधर से भी लोग आ रहे हैं, ऐसे ही चलता है इधर, ये दिल्ली नहीं है। और हम लोग आ गए इधर, ये है डीडी नगर गेट नंबर 1। तो ये आ गया महाराजा कॉम्प्लेक्स और ये चौक है इसके, इधर पूरा डीडी नगर है। सिंधिया स्टैचू आ गए, वो कौन सी मार्केट है, वो कुशवाहा मार्केट है। इधर सीधे जाएंगे सिंधिया स्टैचू और ये हमारी महाराजा कॉम्प्लेक्स ना कर दे दो पूरी सिंधिया स्टैचू, थोड़ा सा आगे चलेंगे। स्टैचू आ गया हमारा, इधर से ले लो ना, वो नहीं लेनी मन्नू के लिए। अच्छा तो गाइस यहां पे जिम खुल गई, डीसी जिम मस्त, ये कॉम्प्लेक्स है यहां पे सारी चीजें मिल जाएगी। ये तो यहीं से ले लेते हैं चॉकलेट बोलो के लिए, बढ़िया कॉम्प्लेक्स बना दिया है। इधर पहुंच चुके हैं ई ब्लॉक शताब्दी परम के, इतना बड़ा ब्रेकर बना रखा है। ये रहा हमारा घर, ये पार्क है सामने और ये चलो जी राम राम, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय। ये चीते ब्लॉग में आ रहा है, फेमस हो जाऊंगा मैं, पहचान नहीं पाया। ये बुआ जी और ये दादी अम्मा, ये देखो ऐसे कभी किया मेरे खुद का बेटा। चलो
चलो गाड़ी लगा देते हैं, पहुंच गए हैं टाटा, बाय बाय, राम राम, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। निशान प्यारा है ना, क्लासिक 350। निकाल दिया सब सामान। टाइट कितनी चलती है ये? ए ऊपर, ए रोटी सिगरी, रोटी 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 खा के ऊपर चलते जा 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 चल। अब मेरे को ध्यान देना पड़ा, छत से बता बड़ा कर जगह तो गिरा मन तो चलो आ लड़ा कौन दादी की आवाज सुन रही है, दादी की लड़ाई सुन रही है, दादी की लड़ाई हमारी मां पापा को देखा कैसे बोल रही है। मुझे लग गया कहीं मरने गन्नू गन्नू नहीं बचाना, ए गन्नू गिर जाओ भी छत पे, अच्छे से जाकर नचे भी वो भी गया कुछ मम्मी को तो कोला चूसन भी जाता है, चूसन बंद कर दियो, लग रहा है चूसन बंद कर दियो, ये तो गुस्सा में चिल्ला रहे, कोई पापा भी दबाओ पता, नहीं तो बराबर ही कर रहे हो पता, और जो गुस्सा में चिल्ला रहे हैं फिर देखो तुझे दादू पास जाके बैठो पास में, गिर जाओ नीचे छोटे भी तरह मोटा है।